हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का लेक्चर नंबर 2। और अब आज हम यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ेंगे डोबिनेनर ट्रेट्स। जो हमने लॉ पढ़ा था, हमने फर्स्ट सेशन में देखा था कि कौन कौन से हमें पढ़ने हैं, फिर न्यूलैंड्स का लॉ और फिर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। बेसिकली इन तीन लॉ के बाद फिर हमारा फाइनल आ जाएगा मॉडर्न टेबल, जिसपे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे डोबिनेनर लॉ ऑफ ट्रेड। देखो हुआ क्या, मैं आपको जैसे फर्स्ट सेशन में बता रहा था इस चैप्टर का मेन मोटिव क्या है। चैप्टर का मेन मोटिव है कि आपको सारे एलिमेंट जितने भी हमारे डिस्कवर हुए हैं आज तक, उन सारे एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज करना कि उनकी स्टडी को सिस्टमेटिक बना सके और ईजी बना सके, कोई भी व्यक्ति आए तो उसको ईजिली पढ़ सके। बिकॉज जब बच्चा 7th से 8th क्लास में होता है तो उसको नहीं समझ आता एलिमेंट्स क्या होते हैं। फिर उन्हें एलिमेंट्स पढ़ाने के लिए हमने एक वे बनाया, हमने एक, अगर 10th में से आप लोग आ गए हैं तो एक प्रॉपर टेबल बना दी गई। इस टेबल को अंडरस्टैंड कर लो, आपको सारे एलिमेंट समझ आ जाएंगे। तो सबसे पहले साइंटिस्ट जो आए थे, डोबिनेनर आए थे, इन्होंने क्या बोला, इनके टाइम तक एलिमेंट कुछ कम थे और जितने भी मैं आपको एलिमेंट बताऊंगा अप्रॉक्सीमेट है, उनसे 2-4 ऊपर नीचे हो सकते हैं, 21 एलिमेंट इनके टाइम तक थे। तो इन्होंने बोला एक काम करते हैं, अपन 21 एलिमेंट्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे मतलब 21 एलिमेंट को 3-3 के ग्रुप में अलाइन कर लेते हैं। तो इन्होंने क्या किया, ऐसे करके ग्रुप बनाया, इसमें 3 एलिमेंट रखे ए बी और सी, आई थिंक नहीं दिख रहा हो, कोई बात नहीं, मैंने ए बी सी लिखा है। तो ए बी सी 3 एलिमेंट रखे, रखने के बाद इनका लॉ क्या कहता है, इनका लॉ कहता है कि अगर हमने 3 एलिमेंट को ग्रुप किया, अलाइन किया, तो इन तीनों की प्रॉपर्टी मैच करेगी आपस में। हम ग्रुपिंग इस तरीके से कर रहे हैं, प्रॉपर्टी मैच करे। अब इन्होंने बोला कि अगर मान लो पहले का मास है एक्स और सी का मास है जेड और बीच वाले का है वाई, तो ये कहते थे कि पहले और तीसरे का मास का अगर हम एवरेज निकालें, मतलब अगर मैं एक्स और जेड को जोड़ के आधा कर दूं तो वो बीच वाले के मास के बराबर होगा। दैट इज द बेसिक लॉ ऑफ डोबिनेनर। डोबिनेनर ने एक बात और बोली कि अगर हम पहले और तीसरे का मास को जोड़ के आधा कर दें तो ये आपका सेकंड वाले के मास एवरेज कर दें तो ये सेकंड वाले के बराबर होना चाहिए, सेकंड वाले के मास के बराबर, ये इनका लॉ था। तो इन्होंने दो बातें बोली, पहला आप इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रखो और पहले और तीसरे का एवरेज निकालो, वो बीच वाले के बराबर होना चाहिए। तो ये एक परफेक्ट ट्राइड बन गया, ट्राइड मतलब ग्रुप ऑफ 3। अगर परफेक्ट ट्राइड बनता है तो वो परफेक्ट ट्राइड का मतलब ये है कि आपकी प्रॉपर्टी तीनों की मैच करेगी आपस में, ये इनका लॉ था। तो लॉ पढ़ता हूं एक बार मैं, ये आप एज इट इज प्रॉपर नोट्स उतार लेना क्योंकि यही नोट्स एज इट इज आएंगे एग्जाम में। इट स्टेट दैट व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन अ ग्रुप ऑफ 3 सच दैट इन द एटॉमिक वेट ऑफ द मिडिल एलिमेंट, इस वाले का, बी वाले का, ठीक है, इज एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, पहले और तीसरे के बराबर हो तो उस वाले केस में परफेक्ट ट्राइड बन जाएगा वो। एग्जाम्पल देखो, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, लिथियम सोडियम पोटेशियम, ये 3 एलिमेंट है, इसका मास है 7, इसका मास है 23, इसका मास है 39। तो पहला हमारा लॉ फिल हो गया कि भाई एटॉमिक मास इंक्रीजिंग होना चाहिए। अच्छा, फिर उसका एटॉमिक मास जो है पहले और तीसरे का, अगर 7 + 39 को मिक्स करके एवरेज करें तो 23 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड का एवरेज बीच वाले के बराबर आ रहा है, तो इससे कंफर्म हो गया कि हमारा ट्रेड परफेक्ट है। इसका मतलब इन तीनों की प्रॉपर्टी मिलेगी। फिर चैप्टर 3 अगर आपको हल्का बहुत याद हो, लेक्चर देख लेना वरना उसके, तो हम बताया था लिथियम सोडियम पोटेशियम आर वेरी सॉफ्ट, दे इजिली कट विद अ नाइफ। इसका मतलब तीनों की डेंसिटी इवन कम होती है, तीनों मेटल है, तीनों की डेंसिटी कम होती है, तीनों की वैलेंसी सेम होती है, तो प्रॉपर्टी मैच कर रही है। अब होता पता है क्या है, देखो जैसे कि आपने, आपके साथ भी होता होगा, किसी टेस्ट में एग्जाम में 4 क्वेश्चन ठीक कर दिए तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो डोबिनेनर भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए, डीजे वीजे लगा के नाचने लगे कि हमने तो बहुत कुछ, हमने तो कमाल कर दिया जिंदगी में। लेकिन दिक्कत पता है क्या आई, दिक्कत ये आई कि जब ये एक ट्रेड चल गया, एक इनका फ्लोरिन क्लोरिन वाला ट्रेड था, आयोडीन वाला वो चल गया, ब्रोमिन वाला, ठीक है, एक दो ट्राइड बढ़िया बन गए, उसके बाद में डीजे लगाया नाचे कि आप तो मज़ा आ गया, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बट प्रॉब्लम पता है क्या आई, इनके 2-3 ट्रेड के बाद, ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, मैं आपको कुछ जो स्क्रीन के ऊपर, तो 2-3 ट्रेड के बाद ये जो आपको दिख रहे हैं ये ट्राइड थे ही नहीं। अगर आप इन तीनों, इनको देखेंगे आपस में और आप इसकी कैलकुलेशन करना, आपको समझ आएगा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास है, बट फर्स्ट और थर्ड का एवरेज ना सेकंड के बराबर नहीं आता, ट्राई कर लेना आप लोग। तो ये कुछ ट्रेड तो ठीक थे बट बाकी ट्राइड क्या हुआ, खराब हो गए। तो इनका क्या हुआ, ऑल एलिमेंट डिस्कवर एट द टाइम कुड नॉट बी क्लासिफाइड एज अ ट्राइड, हमको ट्राइड बोल ही नहीं पाए क्योंकि ट्राइड ग्रुप ऑफ 3 जहां पे 2 प्रॉपर्टी मैच करती है, वो दोनों थी नहीं। चलो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में तो रख दो, बट एवरेज तो आना चाहिए ना, इसलिए इनका जो लॉ था वो हो गया फेल। फिर हम लोग आए, ठीक है, एक फिर साइंटिस्ट आए न्यूलैंड बोलते हैं ये सब बकवास चल रहा है, इससे कुछ नहीं होना, ये आप क्या 3 का ग्रुप बनाए जा रहे हो,
इन्होंने अपना अलग ग्रुप दिया, ठीक है। मेरे को लगता है, मेरे को तो ऐसे मतलब मैंने पढ़ा नहीं इनके बारे में, बट मेरे हिसाब से ये शायद किसी वो गायक गायक की म्यूजिक फैमिली से होंगे। इनका अलग ही लॉ था। ये कहते थे इफ अरेंज द एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, अगर आप एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रखो, देन एवरी एट्थ एलिमेंट हैज प्रॉपर्टी सिमिलर टू डेट ऑफ फर्स्ट लाइक नोट्स ऑफ म्यूजिक। तो हर आठवां एलिमेंट पहले के बराबर प्रॉपर्टी शो करेगा, जैसे म्यूजिक के नोट्स होते हैं सारे गामा पाधानी, सात हो गए और सा, सारे गामा पाधानी सा, ये इनका ऐसा लॉ भी यही था, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, लॉ भी एक्चुअली यही था। देखो सारे गामा पाधानी और फिर सा, ये बुक की टेबल है, मैंने सीधी बनाई है इसको। इंग्लिश में कुछ डो रे मी कहते थे, एनसीआरटी में देख लेना आप, ठीक है। रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब जीके बढ़ाने के लिए खाली बस। अब देखो इन्होंने एलिमेंट को ऐसे रखा, हाइड्रोजन लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में है। और उसका आठवां एलिमेंट फ्लोरीन आ गया, फिर सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर, फिर दोबारा क्या आ गया, क्लोरीन आ गया। इस तरीके से अरेंज करते रहे। अब ये कहते थे कि हम सात क्रॉस करके आठवें एलिमेंट पाएंगे तो इनकी प्रॉपर्टी मिलेगी, मतलब रख इसको ऐसे रहे बट प्रॉपर्टी ऐसे मैच कर रही है। ये इनका अंदाजा बहुत सही था। अगर आप आज की टेबल भी देखेंगे ना तो वो एक्चुअली ऐसी होता है, रखते हैं उसको इस तरीके से और प्रॉपर्टी ऐसे मैच करती है। और अगर आप, मैंने आपको जो आपका इंट्रोडक्शन था वहां बताया था कि इनको हम लोग पीरियड कहते हैं, इनको हम लोग ग्रुप कहते हैं। अच्छा, अब प्रॉपर्टी मैच कर रही थी, सीधी सी बात है, जो कहानी डोबरिया के साथ थी वो इनके साथ हुई। इन्होंने क्या किया, वो 20 क्वेश्चन एग्जाम में आए उसमें से 10 सॉल्व हो गए, बस हम चैंपियन बन गए। इनको क्या हुआ, इनके टाइम पे 52 एलिमेंट्स के राउंड थे, 52 एलिमेंट के राउंड थे। अब देखो हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन प्रॉपर्टी मैच करती है, कोई डाउट नहीं, बिल्कुल करती है, तीनों की वैलेंसी मैच करती है, बल्कि हाइड्रोजन की प्लस वन होती है, बट ठीक है, फ्लोरीन की माइनस वन, क्लोरीन की माइनस वन, बट तीनों गैसें होती हैं, ठीक है। ऑक्सीजन सल्फर की वैलेंसी सेम होती है, दोनों गैस होती है। नाइट्रोजन फॉस्फोरस की मैच करती है, कार्बन सिलिकॉन की मैच करती है, बोरोन एल्युमिनियम लिथियम सोडियम पोटेशियम तो यहां भी मिल रहा है। देखो एक क्वेश्चन आ सकता है कि न्यूलैंड की टेबल में और डोबरिनर में कौन सी चीज मिक्स मैच करती थी, तो ध्यान रखना लिथियम सोडियम पोटेशियम, ये तुम्हें हाँ एंड तक मैच करते मिलेंगे, शुरुआत एक्चुअली इनसे हुई थी। अच्छा, अब दिक्कत क्या आई, देखो अच्छा ट्रेड था, अच्छा मतलब लॉ था, ट्रेड बोलो अच्छा लॉ था, इफ अरेंज द एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, बढ़ते हुए क्रम में रखो उनको मास के, तो होगा आठवां एलिमेंट पहले के साथ सेम प्रॉपर्टी शो करेगा, ये हमारा लॉ हो गया। बट प्रॉब्लम क्या हुई, इनको 52 के 52 एडजस्ट करने, तो इन्होंने क्या किया, कुछ ऐसे एडजस्टमेंट कर दिए जो किसी काम के नहीं थे। देखो इन्होंने ये, देखो ये क्या है, ये क्या तमाशा बना दिया, ये देखो कोबाल्ट निकल एक साथ रखे हुए हैं, कोबाल्ट निकल एक साथ क्यों रखे हैं, बस क्योंकि अरेंज करने थे, कर दिए, ठीक है। चलो ये देखो सिलीनियम लेंथेनम नहीं दिख रहा तो बता रहा हूं, सिलीनियम लेंथेनम है, एक साथ रख दिए, क्यों भाई एक स्लॉट में दो एलिमेंट क्यों रखे, चलो ठीक है हमने मान लिया एक दो रख दिया, मैच कर दिया, कोई इशू नहीं है, ठीक है, वैसे एक की जगह एक में होती है बट दो रख दिए। उसके बाद सब कुछ छोड़ो, तुम अगर यहां देखोगे तो तोते बोल जाएंगे, इनके बोल गए तुम्हारे नहीं बोलेंगे। ऑक्सीजन गैस है, सल्फर गैस है, नॉन मेटल है, आयरन मेटल है, सिलीनियम कोई मैच ही नहीं करता आपस में, चलो वो छोड़ो। नाइट्रोजन फॉस्फोरस मैग्नीज, नाइट्रोजन फॉस्फोरस नॉन मेटल है, मैग्नीज मेटल है, आर्सेनिक मेटलॉइड है। मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं, चलो इस वाले मार्कर का यूज करते हैं, ये रहा कैल्शियम, कहां है कैल्शियम, ये बच्चों इस कैल्शियम के बाद इनके जितने एलिमेंट रखे गए वो बस रखे गए, प्रॉपर्टी मैच नहीं करी। तो देखो इनका लॉ तो ये है, एग्जाम में आ जाए, बट एग्जाम में लॉ के साथ ना सबसे इंपॉर्टेंट आता लिमिटेशन, क्योंकि रीजन क्या है ना, अगर इनका ही नियम सही हो जाता किसका, डोबरिनर का, तो चैप्टर ही खत्म हो जाता। इसका मतलब डोबरिनर में जो कमी रही वो न्यूलैंड ने ठीक करी, तो न्यूलैंड को पढ़ा हमने, न्यूलैंड में अगर कुछ कमियां रही वो मेंडलीव ठीक करेंगे, मेंडलीव में कुछ कमी रही तो वो मॉडर्न टेबल फाइनल हमारी सही करेगी, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं मैं कमी क्या रही, तो पहली लिमिटेशन थी दिस लॉ इज एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम और लाइटर एलिमेंट, मतलब हल्के एलिमेंट जो थे कैल्शियम से नीचे नीचे वाले उन पे एप्लीकेबल होता है, क्योंकि देखो यहां तक कोई इशू नहीं, बट यहां के बाद जितने आप जाओगे ना मैच ही नहीं कर रहे आपस में, कुछ और ही चल रहा है इनका। दूसरा, सेवरल न्यू एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड हुज प्रॉपर्टी डिड नॉट फिट। अब हुआ क्या, इन्होंने सोचा था दुनिया में इतने एलिमेंट रहेंगे, अब फिर नए एलिमेंट खोज हुए। एग्जाम्पल देखो आप, हाइड्रोजन और लिथियम के बीच में एक एलिमेंट आता है हीलियम, अब वो डिस्कवर तो हुआ ना, कहां रखते हैं उसको, जगह है इनके पास, तो ये अपनी टेबल बना के निकल लिए, तो इसलिए न्यू एलिमेंट जो डिस्कवर हुए वो फिट ही नहीं कर सकते इसके अंदर, जगह ही नहीं मिल रही हमें। दूसरा, न्यूलैंड्स एडजस्ट टू एलिमेंट्स इन अ सेम स्लॉट, और दो दो एलिमेंट को एक स्लॉट में रख दिया। तो ड्यू टू दिस थ्री लिमिटेशंस हमें इनकी टेबल को खत्म करके हमें अगले उस पे जाना पड़ा, और ये थे भाई साहब मास्टर।
न्यूलैंड बहुत जबरदस्त मास्टर। ये समझो कि अगर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की बात की जाए एलिमेंट्स की, तो इन्होंने एक बिल्कुल मास्टरपीस दिया इनकी टेबल, ठीक है। जो हम लोग जब मॉडर्न टेबल पढ़ेंगे तो मॉडर्न मेंडलीफ एक साथ पढ़े, कंपेयर करेंगे उनका आपस में, क्वेश्चन उसके ऊपर आता है और बोर्ड में भी आ चुका है। अगर आप लोगों को लिखना है निशान लगा लेना, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10 एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनकी टेबल को हमने इसलिए छोड़ दिया। तो इनकी कमी थी कि भाई ये तीन तीन ट्राइड बना रहे थे, बन नहीं पाए, ने टेबल बनाई, पर टेबल में वो कैल्शियम तो एप्लीकेबल थी, एक एक स्लॉट में दो, तो वो एप्लीकेबल नहीं था। फिर हम लोग आ गए किस पे, मेंडलीफ। पर जो मेंडलीफ ने एक बहुत सिंपल सी बात बोली, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों, जब एक इंसान के बारे में बात की जाती है, एग्जाम्पल के लिए अगर हम एग्जाम्पल बात करें, जब शादी होती है तो शादी में क्या करते हैं हम इंसान के 32 गुण, जितने 36 32, आई डोंट नो, जितने भी गुण होते हैं मैच करते हैं, ठीक है। इसका मतलब यह है कि आप दो गुण से शादी नहीं कर सकते, दो गुण अगर मैच करें शादी नहीं होती। हमारे जनरली एक हिंदुओं में परंपरा होती है कि गुण मैच करे जाते हैं। एक बात बताओ, ये दोनों साइंटिस्ट सेम चीज़ नहीं कर रहे। भाई किसी भी एलिमेंट की दो प्रॉपर्टीज होती हैं, एक होती है केमिकल, एक होती है फिजिकल, जनरली प्रॉपर्टी यही पढ़ी हम लोगों ने। ये क्या कर रहे हैं, अभी तक सिर्फ एटॉमिक मास लेते हैं, उनके अकॉर्डिंग रखते हैं, काम कर देते हैं। और एटॉमिक मास इज अ फंडामेंटल फिजिकल प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? फंडामेंटल फिजिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल कहाँ है? मतलब ये फिजिकल प्रॉपर्टी के बिहाफ पे एलिमेंट को लगा रहे हैं, केमिकल चेक ही नहीं कर रहे। और जब तुम केमिकल प्रॉपर्टी चेक नहीं कर रहे तो मैचिंग कैसे बनेगी? बात समझ आती कि नहीं आती? इसलिए ये दोनों का फेल होने का एक बहुत बड़ा लॉजिक ये था कि इन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टी यूज करी, एटॉमिक मास, केमिकल प्रॉपर्टी यूज ही नहीं करी। भाई एलिमेंट से रिएक्शन करा के देखो तो उनके ऑक्साइड कैसे बनते हैं, हाइड्राइड कैसे बनते हैं, क्लोराइड कैसे बनते हैं, एंड सो ऑन। तो इसलिए इनकी टेबल हो गई भैया फेल। तो आए भाई इस वाली टेबल, मेंडलीफ बोल रहे हैं देखो हम अपनी टेबल बनाएंगे, हम अपनी टेबल में दोनों प्रॉपर्टी यूज करेंगे, केमिकल भी और फिजिकल भी। तो एक बार बोर्ड का क्वेश्चन था कि किस बेस पे मेंडलीफ ने अपनी टेबल बनाई, तो हमारा आंसर आएगा मेंडलीफ, इनके टाइम तक 63 एलिमेंट आ चुके थे, बढ़ गए थे, टाइम बीतता रहा, एलिमेंट डिस्कवर होते रहे। तो इन्होंने, इनका जो बेस था टेबल का, वो दो थे, एक फिजिकल प्रॉपर्टी और एक केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में इन्हें फंडामेंटल प्रॉपर्टी ली, एटॉमिक मास। फंडामेंटल प्रॉपर्टी वो होती है बच्चों जो नेचुरल होती है, जो हम लोग सिर्फ डिस्कवर करते हैं, हम लोग उस पर कोई रिसर्च कर लेते हैं कि भाई ऐसी प्रॉपर्टी, फंडामेंटल का मतलब वही होता है जो कभी चेंज ना हो, ठीक है। तो फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या थी? एटॉमिक मास। कभी आप छोटी क्लास में रहे होगे तब भी ऑक्सीजन का वेट उतना था, आज आप आगे ऑक्सीजन का वेट आज भी उतना है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। तो इसका मतलब एटॉमिक मास को इन्होंने रखा, लेकिन एटॉमिक मास तो ये भी लोग भी रख रहे थे, साथ साथ इन्होंने केमिकल प्रॉपर्टीज को भी इंट्रोड्यूस किया। इन्होंने बोला एलिमेंट की प्रॉपर्टीज दो होती हैं, तो इन्होंने क्या किया, हर एलिमेंट की रिएक्शन कराई ऑक्सीजन के साथ और बनाए ऑक्साइड। अब सोचो अगर किसी के ऑक्साइड का फॉर्मूला मैं यहां लिखूं, अगर मान लो एक्स एलिमेंट था और वाई एलिमेंट था, ठीक है, और x का जो ऑक्साइड का फॉर्मूला बन रहा है वो बन रहा है X2O, और y का भी ऑक्साइड का फॉर्मूला बन रहा है Y2O, तो सीधी सी बात है दोनों की प्रॉपर्टी मैच करेगी ना। अगर x का फॉर्मूला बन रहा है X2O3 और y का बन रहा है Y2O3, इसका मतलब दोनों के ऑक्साइड का फॉर्मूला सेम बन रहा है। ऐसे इन्होंने ऑक्साइड की रिएक्शन कराई ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन की रिएक्शन कराई हाइड्रोजन के साथ, और इस प्रकार से इन्होंने पूरा का पूरा एक सिस्टम बनाया। अब सिस्टम बनाने के बाद इन्होंने बोला, इनकी टेबल में जो लॉ बनाया उन्होंने, वो लॉ क्या बनाया, देखो लॉ मैं समझाऊंगा तुम्हें बाद में, अभी सिर्फ लॉ को कोशिश करना, आप इसे रिमेंबर करो, रट लो इसको, ठीक है, आराम समझाऊंगा, मैं इनकी टेबल को कंपेयर करूंगा मैं। अरेंज द एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। अगर आप एलिमेंट को इसकी तरह एटॉमिक मास में इंक्रीज कर दो, इनसे भी इनसे, मतलब ऐसा नहीं कि इसकी तरह टेबल बनी है कुछ कुछ, बट उसमें कुछ चीजें इंक्रीज की गई, इनकी कमियां दूर की गई। तो ध्यान सुनना, प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मैं रिपीट कर रहा हूं, से याद कर लेना, प्रॉपर्टी 100% आएगा इस साल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, बेसिक फंडामेंटल यही है। अचीवमेंट, अब फायदा क्या हुआ, लगाया तो इन्होंने था, लगाया इन्होंने था, बट यहां पर हमने कहीं एडवांटेज नहीं पड़ा, यहां पर एडवांटेज बहुत ज्यादा थे। बच्चों सुनो, यहां पर बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही थी, यहां बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जो नए डिस्कवर एलिमेंट है वो कहां रखे जाएंगे। मेंडलीफ बोला चिंता मत करो, हम गैप छोड़ देंगे। तो गैप के ऊपर मैं आपको अलग से इसमें बताऊंगा बात, एक का शब्द लगा गैप छोड़ा उन्होंने। जैसे एग्जांपल के लिए एल्युमिनियम पहले डिस्कवर हो गया, तो एल्युमिनियम के लिए जगह छोड़ दी हमने, कहा अगर एल्युमिनियम जैसा कोई भी एलिमेंट आएगा तो यहां रख देना आप, और उस जगह जो छोड़ी वो उसका नाम रख दिया एका एल्युमिनियम, कि एक एल्युमिनियम जैसा कोई प्राणी आएगा वो यहां रख देना, बाद में उसका बोरोन बना बाद में वो, ठीक है। अच्छा बोरोन नहीं, कुछ और था, बुरो नहीं था, गैलियम था, गैलियम था। अच्छा इसी तरीके से उन्होंने, वो मैं बता दूंगा, डोंट वरी। तो एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज ग्रुप टुगेदर, तो पहला बेनिफिट क्या हुआ, जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी सबको एक ग्रुप में रख दिया, ग्रुप मतलब ऐसे वाले, ठीक है। दूसरा, सम गैप्स फॉर अनडिस्कवर एलिमेंट, ये किसी ने अभी तक नहीं किया था, ना इन्होंने किया ना इन्होंने किया, कि इन्होंने गैप छोड़े, कि इन्होंने उम्मीद थी कि अगर कोई ऐसा एलिमेंट डिस्कवर हुआ तो उसके हम जगह छोड़ सकते हैं,
ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट वो मुझे जबरदस्त लगता है, एक बात बताओ, हमारे पास हीलियम होती है, नियॉन होती है, आर्गन होती है, ये रिएक्शन ही नहीं करते। अभी जो रिएक्शन ही नहीं करते उनके ना तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे चेक करोगे, ना तो उनके ऑक्साइड बनेंगे ना हाइड्राइड बनेंगे। इन्होंने बोला इनकी टेबल में इनके लिए कोई जगह थी नहीं अलग से, क्योंकि रिएक्शन ही नहीं करते थे, डिस्कवरी नहीं हुए थे, ये रिएक्शन करके देखते थे अच्छा ये एलिमेंट रिएक्शन कर रहा है रखो, अब वो रिएक्शन ही नहीं होती थी, तो उनको समझ आया काम करते हैं, इनकी टेबल में इन्होंने जगह बनाई भी नहीं, लेकिन इस तरीके से टेबल बनाई थी कि जब ये निकल गए, मतलब बहुत टाइम हो गया इनको निकले हुए, इनकी टेबल बनी हुई थी, तो इनकी टेबल में बिना डिस्टरबेंस के वो गैसेस बाद में डिस्कवर हुई बट पुट कर दी गई। तो नोबल गैसेस मतलब जो रिएक्ट नहीं करती, नोबल गैसेस कुड बी प्लेस विदाउट डिस्टर्बिंग द टेबल, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट अचीवमेंट, कि इनकी टेबल को एक तो सारे सिमिलर एलिमेंट रख दिए, दूसरा जो आपका डिस्कवर नहीं हुए थे एलिमेंट उनके लिए गैप छोड़ दिया, और नोवल गैसेस जो बाद में डिस्कवर हुई जिनका इनके लिए कोई अरेंजमेंट नहीं था वो भी इनकी टेबल में, यहाँ तो जगह ही नहीं मिली, हीलियम यहाँ कर रखेंगे हीलियम नियॉन, बट यहाँ रखने जगह थी, यहाँ अलग से एक ग्रुप को सेपरेट करके वहाँ रखा गया, बताता हूँ बाद में, ठीक है। लिमिटेशन, ये मैं अभी जितना पढ़ा रहा हूँ थ्योरी बेसिस, मैं अभी आप कॉन्सेप्ट समझाऊंगा मैं आपको बाद में इस टेबल के, मेंडली वाली के स्पेशली, इनके नहीं समझने मेंडली वाली के, पर थ्योरी मैंने पूरी कवर कर दी यहाँ पर, क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चन चैप्टर इससे नहीं आता। अच्छा, लिमिटेशन में इनकी तीन लिमिटेशन थी बच्चों, एक बार ध्यान रखना, सबसे जो अच्छा एलिमेंट पूरी टेबल का है वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक ऐसा प्राणी है जो केमिस्ट्री का बच्चा मानो तुम उसे, केमिस्ट्री का बच्चा, अब देखो बच्चा जो होता है वो ना मेल होता है ना फीमेल होता है, ऐसा मान के चलो आप, ठीक है, वो बच्चा होता है, मतलब अगर आप शादी में जाओ तो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो मेल रूम में भी एंटर कर जाते हैं, फीमेल रूम में एंटर कर जाते हैं, उनको दिक्कत नहीं होती, तो हाइड्रोजन तो बच्चा है हमारा। हाइड्रोजन को हम ना मेटल मानते हैं ना नॉन मेटल मानते हैं, हाइड्रोजन वैसे गैस है, सारी नॉन मेटल गैस होती है, लेकिन हाइड्रोजन को हमने अपनी रिएक्टिविटी सीरीज में रखा हुआ है, तो हाइड्रोजन का लेके बहुत कंफ्यूज हो गया ये पूरी ज्यादा, तो नो फिक्स पोजिशन टू हाइड्रोजन, मैं बाद में रीजन बताऊंगा ऐसा क्यों ऐसा होता है। दूसरा, आपने बच्चों सुने होंगे आइसोटोप्स, नहीं सुने तो मैं बताता हूं, नाइन्थ क्लास में पढ़े होंगे, कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जैसे कि बताता हूं कार्बन, ओहो जैसे कार्बन होता है आपका कार्बन कार्बन, एक कार्बन जो कोयला वाला होता है उसका नंबर होता है 6, मास होता है 12, एक जो हमारी बॉडी के अंदर मिलता है प्लांट्स के अंदर मिलता है उसका नंबर होता है 6, मास होता है 14, अब दोनों है कार्बन, तो ये वाला जो हम लोग पढ़ते हैं वो होता है, ये होता है इसका आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं, इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास अलग अलग होता है, उन्हें आइसोटोप्स कहते हैं। अब मेंडलीफ की टेबल में, मेंडलीफ को तो पता ही नहीं था कि आइसोटोप जैसी भी कोई चीज होती है, एलिमेंट तो लगा पाए थे, तो इनकी टेबल में आइसोटोप्स के लिए कोई जगह नहीं थी, ठीक है। दूसरा, इनकी टेबल जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक बात छोटी सी बताऊंगा, इनकी टेबल में लॉ बनाया गया कि अगर आप एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रखो तो क्या होता है, एलिमेंट की प्रॉपर्टी मैच करती है पीरियोडिकली, लेकिन इनकी टेबल में ऐसे 7 से 8, बल्कि मेरे को 7 से 8 पता है, क्या पता है ज्यादा पॉइंट भी हो, मैंने 7 से 8 ढूंढे थे बस, ज्यादा पॉइंट थे जहां पर मास इंक्रीज होने के बजाय डिक्रीज हो जाता है। सोचिए आप, डिक्रीज हो जाता है मास, ठीक है, तो इसका मतलब ये था, इससे प्रॉब्लम यह आई कि इनका जो खुद का ही लॉ था वही फेल हो गया, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास कुड नॉट बी मेंटेन, कहीं कहीं वो मास होता क्या था बता देता हूं आपको मैं, मान लो एग्जांपल के लिए यहां पर रखा है एल्यूमिनियम, इसके बाद कोई एलिमेंट एक्स रखा है, तो एल्यूमिनियम का मास है मान लो 13, इसका मास 12 हो गया, और होना क्या चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, उल्टा डिक्रीज हो गया, तो ऐसा कई जगह हुआ, इसलिए इनकी टेबल को मतलब ये एक लिमिटेशन थी जो हम लोगों ने बाद में रिमूव करी। अच्छा, तीसरी प्रॉब्लम क्या थी, सम डिसिमिलर एलिमेंट ग्रुप टुगेदर, जैसे यहां पर हुआ ना ऑक्सीजन सल्फर आयरन रख दिया, ऐसे मेंडलीफ में कई कई जगह ऐसा हुआ है, कुछ डिसिमिलर एलिमेंट थे मतलब जो आपस में मैच नहीं करते थे बट टेबल के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट आ रही थी तो उनको रख दिया गया, तो ये इनकी लिमिटेशन थी। तो थ्योरी यहां पर हमारी चैप्टर की 90% क्या हो जाती है, खत्म। अब हम डिस्कशन करेंगे, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर करेंगे, वहां पर हम डिस्कशन करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मेंडलीफ के कॉन्सेप्ट समझेंगे और मॉडर्न को स्टडी करेंगे कैसे मेंडलीफ से मॉडर्न टेबल बनी, क्योंकि आपको बता दूं मॉडर्न टेबल में कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया गया, मेंडलीफ वाली में समझो खिचड़ी बनी हुई थी, छौक लगाया गया। मेंडलीफ की पूरी टेबल बनी एटॉमिक मास ग्राफ पे, और हेनरी मोजर उनकी टीम आई, उन्होंने बोला अगर हम इस एटॉमिक मास के बजाय इस टेबल में एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग एलिमेंट रख दें तो बहुत बेहतरीन चीज हो जाएगी, और पूरी की पूरी टेबल बन गई जो मैंने फर्स्ट लेक्चर बना के दिखाई थी आपको। तो उन्होंने क्या बोला, सेम लॉ अगर आपको याद हो जाएगा ना, तो सेम लॉ मॉडर्न के चलता है, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, बस और कुछ नहीं इसके अलावा। तो इस तरीके से नई टेबल बनी। तो अभी के लिए आप क्या करना है, तीनों लॉ याद कर लेना, थ्योरी खत्म हो गई। नेक्स्ट में हम लोग लेक्चर में सिर्फ मॉडर्न और मेंडलीफ टेबल के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे कि एक्चुअली टेबल क्या थी। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, ये उतार लेना आप लोग।